πεντάρα, άσβη, καλή του. जी नहीं, यहाँ से कोई जीप नहीं गुजरी, लेकिन पोस्ट पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। खाक निगरानी रखी जा रही है, या हम यूं समझेंगे पहाड़ खा गए, या हवा हड़प कर गई। कलकत्ता फ्लाइंग क्लब से हवाई जहाज उड़ा और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पायलट वो लड़की थी जो अपने आप को आजादी से पहले के जमाने की किसी छोटी सी स्टेट की प्रिंसेस बताती थी। सिट डाउन जेंटलमैन, बात हिंदुस्तानी और मां फ्रांसिस। ये पासपोर्ट उस लाश के पास मिला जो पहचानी नहीं गई, नाम है सीता देवी और पासपोर्ट इशू हुआ पेरिस में। जाहिर है इसकी रहायश भी पेरिस की है। हो सकता है ये उसी ओपियम स्मगलिंग और गोल्ड रैकेट से ताल्लुक रखती हो जिससे हमारी इंटेलिजेंस परेशान है। उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम तक और फिर नीचे पंजाब और राजस्थान की सरहदों पर जहां जहां पर हमारी पुलिस की चौकियां हैं उन सबको इस हादसे के बारे में चौकन्ना कर देना चाहिए ताकि अगर कहीं किसी पर जरा सा भी शक पड़े तो उसे पकड़ लिया जाए। कितना पैसा देगा तुम्हारा जान बचाने का वास्ते? हम सुना है नेपाल में तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर, तुम अपना जान बचाना मांगता तो इसी वक्त काठमांडू बैंक में 5 लाख रुपए जमा हो जाना मांगता। उधर में तुम रुपया जमा कराओ, इधर में हम तुमको हवाई जहाज में बैठा के नेपाल का बॉर्डर में पहुंचाएगा। और तुम हिंदी चीनी भाई भाई तुम हमारा भाई होता इसलिए हम तुमको पूछता तुम कैसा मौत पसंद करता, बंदूक का गोली से या चीनी सूप का मुलायम रस्सी से? नहीं नहीं, मैं उसकी जान बख्शने के भी पैसे दिलवाऊंगी, उसकी भी जान मत लीजिए। मैं नेपाल में अपने लोगों को अभी उतार देना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। बोलो चेयरमैन माओ जिंदाबाद, बोलो चेयरमैन माओ जिंदाबाद। कहीं मर न जाए, इतना माल मारो कि उसका दिमाग ढीला पड़ जाए और हमारा बात सुनने लगे। आदमी काम आने वाला है, टांग दे पेड़ पे, शायद काम आ सके। इसका फैसला कॉमरेड जंग पे छोड़ते हैं, वो तुम्हारा इंतजार करता है नेपाल बॉर्डर पे। तुम्हें आगे क्या करने का है वो ऑर्डर्स भी उसके पास है। कर दिया हमारे आदमियों ने, रानी को यूं बचाकर निकालना है, अब वो कुछ ही देर में यहां पहुंची। बल्कीश मोहम्मद, बल्कीश मोहम्मद नहीं जंग साहब, बिली बिली कहिए, बिली। बल्कीश मोहम्मद को तुम्हें कब कर पीछे छोड़ाया अपने गांव में, अब तो आगे की बात कीजिए वलायत की, और वलायत में बल्कीश मोहम्मद नहीं बिले बिले। अब यहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं। हेलो रानी, रानी मेरी रानी, योर हाइनेस। रानी, हमें इस लामा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं यहाँ सही सलामत आ पहुंची। लामा, लामा, जो तुम मेरे साथ नहीं होते तो शौक से मेरा हार्ट फेल हो गया होता।
जी शर्मिंदा मत कीजिए, किसने किसकी जान बचाई है ये तो भगवान ही जानता है। बदले में सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि कभी किसी भी काम आ सकूं तो आजमाइएगा जरूर, अगर जान की भी जरूरत पड़े तो आपका इशारा ही काफी होगा। थैंक यू लामा, और अगर आईने में सूरत वूरत देखनी हो दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए तो वो सारा घर हमारा है, वहां जा सकते हो। काम आने वाला आदमी है, जो दूसरा तैयार किया था वो क्रैश में मारा गया। बिली पेरिस में अंतरराष्ट्रीय पुलिस के हेडक्वार्टर्स को हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इत्तला कर दी है कि आप दोनों मिस्टर नटकर्णी और मिस्टर वर्मा भारतीय सरकार की तरफ से इस मामले की जांच पड़ताल के लिए पेरिस पहुंच रहे हैं और आपको हर तरह की सहूलियत दी जाए। सर जी, यह है उस हिंदुस्तानी फौजी अफसर की तस्वीर जो कुछ ही रोज पहले कोर्ट मार्शल कर दिया गया और सजा मिलते ही भाग खड़ा हुआ। हमारी रिपोर्ट कहती है कि उस लड़की को जीप में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। इन दोनों का एक साथ एक ही वक्त गायब हो जाना मन में कुछ ऐसे शुभ पैदा करता है। बड़ी चालाकी और होशियारी की जरूरत है इस वक्त रामदेव बख्शी साहब। नई दिल्ली के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के दिल की हर धड़कन बंद है इस घड़ी में। शाबाशी दीजिए अपने कमांडर को, उनकी फौजी ताकत के बारे में एक एक बात एक एक राज मौजूद है इसमें। इस कोर्ट को समझने का काम सिर्फ पीकिंग वालों का है। मेरी जान इतने बड़े एक्सीडेंट से बच निकलने का मतलब समझती हूँ? बहुत लंबी उम्र होगी मेरी। सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि खुशकिस्मत भी हो तुम कि हाई कमांड ने ऑपरेशन यूरोप जैसा अहम काम तुम्हारे स्पुरत किया है। एक बात फिर से दोहराई देता हूं, गौर से सुनो। कभी कभी सीरियस एक्सीडेंट होने की वजह से चंद बातों के भूल जाने का अंदेशा होता है। पेरिस तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा क्योंकि पेरिस लंदन और मॉस्को दोनों के करीब है और सियासी तौर पर न्यूयॉर्क के भी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि दुश्मन की ताकत क्या है, इस वक्त उसे कितनी फौजी इमदाद मिल रही है और आइंदा उसे कहां कहां से क्या क्या मिलेगा। हमारे एजेंट्स चारों तरफ फैले हुए हैं, तुम्हें जहां जहां भी उनकी जरूरत होगी वहां वहां वो तुम्हें मिलेंगे। ये जासूसी का काम जो हम कर रहे हैं या लोगों से करवा रहे हैं, इस काम को करते करते अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी सजा या तो उम्र कैद होती है या फिर फांसी। इसलिए ये नहायत जरूरी है कि जहां तक हो सके काम खुद न करो, लोगों से करवाओ, पैसा फेंको, फंदा फेंकवाओ। पेरिस में पहुंचते ही तुम्हें एक मिस्टर चांग से मिलना होगा, बाकी की इंस्ट्रक्शंस और हिदायतें तुम्हें वही मिलेंगी। बिली ये मेरे अटैची केस में रख दो। लेकिन इस बार बहुत होशियारी और चालाकी से काम करना होगा रानी। यूरोप की सारी पुलिस तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए बेताब खड़ी एक लाइन। और हमारे ऑपरेशन यूरोप के जासूसों का निशान है सफेद कार्नेशन का फूल, इसी निशान से वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। यूरोप में तुम अपना काम संभालोगी और बल्कीश मोहम्मद। बल्कीश मोहम्मद नहीं जंग साहब, बिली कहिए, बिली बिली बिली। बिली 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 बिले जो हिंदुस्तान में बचा खुचा काम रह गया है इसके एक्सीडेंट की वजह से रुक चुका होगा, इस शरत से तुम संभालोगे इंशाल्लाह। और आखिर में हमारे हाई कमांड के हुक्म आने पर 0 आवर से पहले हम सब लोग लंदन में मिलेंगे मेरे फ्लैट पर। पासपोर्ट तैयार है? पासपोर्ट बिल्कुल तैयार है जिंग साहब, सिर्फ मिस्टर यू थॉक को तैयार करना है। हिंदुस्तानी फौज में था, सरहद के उस पार, अब निकाल दिया गया है, अब उनकी ब्लैकलिस्ट में है और इसीलिए उनसे नाखुश। अगर अपने मुल्क वापस गया तो काफी मुसीबत में फंस सकता है, हो सकता है गद्दारी के जुर्म में बंद भी कर दिया जाए। हे लामा, ऊपर आओ, आओ ऊपर।
रामा, क्या कहा था तुम्हें जोशी ने कि तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो तुम्हें दूर दूर तक ले जाएंगी बाहर के मुल्कों में? जी ऐसा लगता तो है हमेशा। ठीक कहा था उस जोशी ने, और अगर कभी मिल जाए तो पांव छूकर लंबा सा प्रणाम करना उसको, इसलिए कि तुम कल ही मेरे साथ यूरोप चलोगे। जाओ जाके तैयारी करो। जी ख्वाब देखने के लिए तो लंबी रात पड़ी है, आप अभी से मुझे? ख्वाब नहीं हकीकत है, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं सुन रखा था कि अलादीन के पास एक जादुई चिराग था जो उसे कहीं भी ले जाता था, कुछ भी दिला देता था उसे, और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि वो चिराग मेरी किसी भी जेब में नहीं है। जेब में नहीं, मेरे हाथ में है। छू के देखो, हकीकत है कि ख्वाब, फील इट। चाहो तो चूम भी सकते हो, अलादीन का चिराग रोशनी ही रोशनी। गुड लक, ये मेरी बीवी है। जी आप ही ने कहा था, मेरी तीसरी बीवी। और मेरे पहले शौहर। डार्लिंग, मेरी गोलियां, मेरी गोलियां, मेरी गोलियां। कभी कभी दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन। और सुनो लामा, तुम इनके साथ इसी लिबास में जाओगे जिसमें तुम हो। मिस्टर यूथॉक तुम्हारा नाम होगा और तिब्बत तुम्हारा वतन। पीछे मुड़ना नामुमकिन है और आगे बढ़ना मजबूरी नहीं बल्कि फर्ज समझो। यही समझो कि अपने देश के खिलाफ इस भारी साजिश में तुम इनके रास्ते का कांटा बन के जा रहे हो। इन्हीं की चाल को इन्हीं के पत्तों से मात करना होगा। मैंने एक बार तुमसे कहा था सुमन कि मेरी हाथ की लकीरों में दूर दूर के मुल्कों की सैर लिखी है। वो सब सच निकला क्योंकि मैं उड़ा जा रहा हूँ लंदन की ओर। किस्मत एक अजीब गरीब खेल खेल रही है मेरे साथ, कहाँ उसका अंत होगा वो शायद खुद भी नहीं जानती। मिस्टर यूथॉक, आपने कुछ कहा मिस्टर यूथॉक? हमारा काम, हमारी ड्यूटीज क्या होंगी? कान बंद, मुंह बंद, आंखें खुली, हमारे साथ साथ रहोगे बस। साथ साथ या आगे पीछे? आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा मिस्टर यूथॉक, पेरिस लैंड करते ही। चलो ये शक तो पक्का हुआ कि रिहायश उसकी पेरिस की ही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी उसकी यही तस्वीर है। सम इंटरनेशनल स्मगलिंग सस्पेक्ट्स। और आएगी जरूर वो यहाँ एक बार कम से कम, अगर उसका काम धंधा ही पेरिस में है। यहाँ के नाइट क्लब्स में बड़ी निगरानी है, कहते हैं किसी नाइट क्लब में नाचती थी, और पेरिस एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर इंटरनेशनल हवाई जहाज के मुसाफिरों को चेक किया जा रहा है, खासकर पूरब की तरफ से आने वाले। Nationalité? Yes, yes, la chachaya. Départ à destination de Londres et New York. Vol 129. Embarquement immédiat, porte numéro 5. Les passagers en transit sont priés d'embarquer en premier. Merci. Name, please. Hima Utah. What? Hima, Mrs. Yutok, my husband. Yes, my wife. Chalo, jaldi nikle. Room 78990 for you, madam. Room 689 for you, sir. Madam, your luggage. This is you talk. Chang speaking. Oh, Mrs. Yutok,
भेज दो अंदर। हेलो मिसेज यू टॉक, आइए बैठिए। तिब्बत का क्या हाल है? ठीक अपनी जगह पर है। और आपके पतिदेव मिस्टर यू टॉक? वो भी ठीक अपनी जगह पर है, बिल्कुल तंदुरुस्त और तैयार। और कौन कौन किस किस जगह पर है एक बार तुम भी देख लो, ताकि कभी धोखा ना खा सको। ये लोग पेरिस के आज तक किसी काम में नहीं चुके, जितना पैसा देंगे उतना ही मुश्किल काम करेंगे। ये लोग स्पेन के मैड्रिड में रहते हैं, पैसे जेब में डालो किसी का भी खून करवा लो। ये मैड्रिड के थीव टेन में नाचने वाली सोनिया हमारी पैलेस में सबसे महंगी आंखों के जादू से कुछ भी करवा ले। ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, होटल में बैंड बजाते बजाते हमारे सारे काम कर डालता है। और आखिर में ये दो, लंदन में हमारे पैसे ने पाल पोस कर बड़ा किया है। बस अब तुम काम शुरू कर दो, तुम्हारे डांस के इन्विटेशन कार्ड आ चुके हैं, वही नाइट क्लब में काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा। इस दाढ़ी वाले पेंटर पर ध्यान रखना, हमारा पहला काम यही कर रहा है।
हमारा पति देव. माई हस्बैंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर एंड मिसेस यूथॉक फ्रॉम तिब्बत. आई पेंट यू. साहब हमारा तस्वीर बना था. यस 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 यस. नो नो नॉट हियर, इन माय स्टूडियो ऑन फ्राइडे. हियर इज माय एड्रेस. ये तो मियां बीवी की जोड़ी है. सीता देवी तो ये कहते हैं ना शादीशुदा थी ना तिब्बतन. Very long now. There it is. Finished. Beautiful. Come and see this beautiful picture. Yes. I hang you in the room. Yes, yes. Please present these paintings to your wife, Mrs. Utok. Beautiful woman with my compliment. Mrs. Utok, your wife. Pardon, monsieur, I came to make the bed. जो आप समझ रहे हैं हिंदुस्तानी. कैसे मालूम होगा? हमारी भाषा में हमारा ये नाम देखो. ये तुम जानता क्या है? यही जानने के लिए तो हमने आपको इतनी मुश्किल से ढूंढा. ये पैगाम तुम्हारे दुश्मन को जाता, चीन को. फ्रांसीसी सरकार ने तुम्हारे सरकार को कितना बॉम्बर और फाइटर प्लेन देने का सौदा किया है और आगे भी कितना सौदा होगा. और कुछ रशिया और अमेरिकी एट के बारे में भी लिखा है. फाइटर और बॉम्बर स्क्वाड्रन और टैंक के बारे में भी गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में से कॉपी किया रखता है. हमारा काम करेगा तो हम तुम्हारा एहसान मानेगा. हमारा मुल्क का लोग तुम्हारा एहसान मानेगा. हम तुम्हारा मुल्क के लोगों को मदद करेगा क्योंकि तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन. हम तिब्बत से पेरिस में क्यों आया? क्यों आया?
क्योंकि हमारे मुल्क में चीना लोगों ने कब्जा किया और हमारे लोगों को मारा मारा। तुम अपने तिब्बती भाषा में उस दूसरी पेंटिंग पर वैसे ही कुछ ऐसा मैसेज लिख दो जो बिल्कुल झूठ हो, गलत हो, बिल्कुल उलट हो। लिख दो कि फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को अभी तक कोई फाइटर प्लेन देने का सौदा नहीं किया है और ना ही कोई इतनी जल्दी सौदा होने का अंदेशा है, और अमेरिका और रशिया की एड का जो जिक्र है उसके बारे में कुछ मत लिखो। फिर मैं पेंटिंग्स को उनकी सही जगह पर पहुंचा दूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तुम इसको अपने मुल्क के दुश्मन के पास क्यों पहुंचाता? इसलिए कि अगर ये नहीं पहुंचाता तो आगे दुश्मन क्या करता उसका पता नहीं चलता। ओ तो तुम दुश्मन के जासूस के ऊपर जासूसी करता। हम समझ गया। हम अपने आदमी को बोलता हमको वैसे ही मोम का पेंसिल ला के दो जिस पेंसिल से दुश्मन ने इस पेंटिंग पे लिखा। सोनम। Look, monsieur, see you later. Thank you. Thank you. Monsieur, monsieur, is there any gentleman staying here by the name of Ramdev Bakshi? No, I don't think so. Indian embassy? Paris mein ek painter hai jo hamare mulk ke khilaf jasoosi kar raha hai. Police headquarters mein phone karwa ke uske studio pe chhapa marwaiye. Ho sakta hai koi aise documents ya koi aisa suraag mile. Mera naam mat poochiye, uska pata ye hai. वर्ड नहीं पड़ा कि डिस्टर्ब ना करो। ये जरूरी स्केचेस देने थे उस दाढ़ी वाले पेंटर की तरफ से। थैंक यू लामा। मुझे लगता है हमारा पीछा किया जा रहा है। अच्छा आप दरवाजा बंद कर दीजिए। इंडियन एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स का चुराया जाना, उसका पेरिस की सड़कों पर देखा जाना, फिर डर के इस तरह से भागना। दिल्ली वालों का शक दुरुस्त हो सकता है कि वो भी शामिल है इन गुंडों में। गुड बाय। ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे। ये तिब्बती लामा कहाँ देखा था पेरिस में? जहाँ उसे हम इस कैट को देखा। पुलिस, सर्च वारंट फॉर यू मिसियर। Come in. Entrez. My model, my paintings. Capitan, entrez. Search. कप्तान, कप्तान, टेक इट। बिले, आखिर ये मजा क्या है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिले, तुम फौरन यूरोप के लिए रवाना हो जाओ और इस मामले की अच्छी तरह छानबीन करो। मैं लंदन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे
क्यों परेशान कर रहा अपनी दीदी को? जा खत वापस दे दे, जा। सुमन बेटी क्या लिखा है तुम ही बता दो, नालायक कभी अपने बाप को खत नहीं लिखता है। जा खत वापस दे दे, जा। ना बेटी उसके बाबा को तो पता है राम कहाँ है, वो लंदन पहुंचने वाले हैं। लंदन? अरे जर्नैल अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा लंदन पहुंचने वाला है। अरे लंदन वंदन पहुंचने से क्या होता है दोस्त, चाहे मुंह काला करा के अमेरिका चला जाए, हम तो शर्म से सर नहीं उठा सकते। पुलिस स्टेशन पर भी पूछताछ है उसके बारे में, तलाश में है वो लोग उसकी। आओ दीदी। क्यों पीछा करो मेरा इस तरह? और किस तरह किया जाए, तुम तो मौका ही नहीं देती हो बात तक करने का। हट जाओ मेरे सामने से। हटने के लिए नहीं, फैसला करने के लिए आया। हटते हो या शोर मचाओ, अभी सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। तुम तो मजाक को भी गुस्से में ले लेती हो, धन दौलत सोने चांदी के ढेर दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। इस गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, इस गांव पे देवी का श्राप है, मेरी बात मानो। अगर सोचती हो कि राम तुम्हारे लिए वापस आएगा तो बेवकूफ हो, वो जा चुका है हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, मेरे साथ भाग चलो, सारी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। अबे ठहरो बरसात, घर में माँ बहन नहीं तुम्हारी, नाक कटवा दी हमारे गांव की तूने। अबे मुझे क्या कहते हो, उसके माँ बाप से कहो के संभाल कर रखें अपनी बेटी को, या उसकी शादी करवा दें, या उसे जंजीरों में बांध कर रखें। भागने पे तुली थी मेरे साथ, आप सब लोग गांव के जानते हैं राम ने उसकी क्या हालत की, आप जानते हैं सरदार साहब, आप जानते हैं, आप जानते हैं लाला जी। अबे रामी कुत्ते, ऐसी खाल उधड़ूंगा कि तू तो क्या तेरे पुरखों की मिट्टी तोबा बांध जाएगी। इसे मुझे लो, मुझे लो, मार मार कर सुअर बना दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, जला दूंगा तेरे घर बार को। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं मुझे जोरत है इस मुर्दाई गांव में आने। लेकिन इतना याद रखो, तुम सब इस गांव के पहरेदार हो, जब तक मैं इस बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा मेरी आत्मा कभी शान नहीं होगी, कभी शान नहीं होगी। मेरी प्यारी प्यारी सुमन, बहुत जल्द एक किताब लिख के छपवाने वाला हूँ अपने जासूसी कारनामों की। लिखूं तो कहाँ लिखूं, किस पते पर लिखूं, कितनी चिट्ठियां लिख लिख कर अधूरी छोड़ दी हैं। कह के गए थे दिल छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे पास, और हर रोज एक चिट्ठी लिखूंगा। महीनों गुजर गए सिवाय दो चिट्ठियों के, कहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ भगवान। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म
की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार आपका काम हो गया मैडम सीन पे हाथ रखकर कहो ग्रेट क्या सीन अदा किया है रोमियो जूलियट भी शायद इश्क की इतनी गहराइयों में नहीं डूबे होंगे लेकिन इस प्रेम पत्र की क्या जरूरत है जब होंठों से ही काम लिया जा रहा है देखें कोई इत्र वितर भी लगाया है मजनू साहब ने या नहीं बिल्कुल नहीं मैं लफ्ज वापस लेता हाँ मखा तुमने रोमियो की पदवी दी दूसरों की चिट्ठियां पढ़ना पढ़े लिखों का काम नहीं लगता है इश्क तंग करने लगा चलना तुम्हारी पुरानी आदत है लेकिन जब सब काम उल्टे पड़ने लग जाए तो मैं तो क्या हाईकमान भी चलने लगा है ना तो वो तुम्हारा पहला ही मैसेज उन्हें ठीक मिला और ना ही एयर इंडिया के हवाई जहाज का क्रैश हुआ इसका मतलब क्या है क्या मतलब ये कि एक दिन अचानक हम सब एक दूसरे को पुलिस की गिरफ्त में पाएंगे फौरन जाकर तैयारी करो स्पेन के लिए दूसरे पासपोर्ट तैयार करवा लिए गए हैं एकदम फ्रांस की सरहद को छोड़ देना होगा और साथ ही मिसी यू थॉक के फेस को और इस्लामा को भी हमारे साथ चलना होगा मुझे शक है इस पर बेशतर इसके कि ये कोई और हरकत कर बैठे हमें इसका खात्मा कर देना होगा लेकिन यहाँ नहीं स्पेन में यहाँ पुलिस की नजरें तेज हो चुकी हैं और हमारे गिर्द पुलिस का घेरा बढ़ता जा रहा है शशोपंज में क्यों पड़ रही है याद है वो पेरिस वाला पेंटर जिसने तुम्हारे यूथोंग की पेंटिंग बनाई थी किसी ने पुलिस को उसके बारे में इत्तला दे दी और इससे पहले कि वो पकड़ा जाता और हमारे बारे में भी सब कुछ बता देता हमने उसे अगवा करके मैड्रिड स्पेन भेज दिया है लेकिन मैड्रिड में भी उसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं किसी वक्त भी उसकी जबान धोखा दे सकती है और हम भी पकड़वाए जा सकते हैं एक ही रास्ता है उस पेंटर को मौत की नींद सुला दिया जाए
और ये काम तुम्हारे लामा को करना होगा। एक तीर से दो शिकार, उस पेंटर का खात्मा और इस लामा की वफादारी का इम्तिहान। और वफादारी का इम्तिहान देते देते इसका भी सफाया कर दिया जाएगा। हमारे लोगों को हुक्म है कि ये जिंदा बच कर निकल ना पाए। ये पिस्टल तुम दोगी उसे या मैं दूं? कभी किसी को मौत की नींद सुलाया है?